Hello guys, welcome to the course of operating system. Today our topic of discussion is real-time operating system. Before this video we had discussion about the distributed operating system. Now it's time to discuss about the another advanced operating system, and that advanced operating system is what the real-time operating system, and generally it is called as RTOS. Okay, so iske bare mein sari jankari hum dekhte hain yahan pe ki kya kya RTOS kya hota hai, uske types kya hai, uske functions kya hai, uske parameters kya hai, uske constant kya hai. Let's start with this particular diagram. RTOS मतलब कि real time operating system के आपके सामने जो अभी watch दिख रही है, तो उसके हिसाब से मतलब क्या कि ये जो watch है ये हमेशा चलती रहती है. यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे applications होंगे जो कि ये time constant के हिसाब से चलने वाले हैं. तो ऐसे application के लिए हमें कहीं ना कहीं एक आदि operating system होना जरूरी है जो कि on time constant हो, scheduling उसमें must हो, जिसमें कोई buffer ना हो, कोई delay ना हो. अब कोई डिले ना हो, ये सारी चीजें जो है वो RTOS के पैरामीटर्स में कंसिडरेशन आएंगी. चलो देखते हैं उसकी रियल टाइम डेफिनेशन, पर्पज उसका क्या है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड टू सर्व रियल टाइम एप्लीकेशंस दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम्स, टिपिकली विदाउट बफर डिले. यहाँ पे कोई भी डिले नहीं रहेगा, और स्पेसिफिकली जो RTOS है ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए ही बनी हुई है जो कि उसके काम करेंगी. रियल टाइम एप्लीकेशंस कौन से हैं, तो जैसे हम बात कर सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, एक आधे रडार सिस्टम हो गई, एरोप्लेन की टैक ऑफ हो गई, एयरबैग्स हो गई, ये सारी रियल टाइम एप्लीकेशन है. हम आगे जाके देखेंगे उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स है. RTOS इज अ लेवल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लेवल ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी कंसर्न अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम इट्स टेक टू एक्सेप्ट एंड कंप्लीट द डेटा. मतलब यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि कितने समय में कब वो इनपुट लेती है और कब उसका आउटपुट निकालती है. तो यहाँ पर जो है इमीडिएट, जैसे इनपुट आया वैसे उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे एक्शन लेना जरूरी है. जैसे RTOS मतलब क्या, एक हम यहाँ पर हम रिमोटली बैठे हैं और कहीं से दूसरी तरफ से डेटा हमें आ रहा है और उस डेटा के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं विदाउट एनी डिले. यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इनपुट और आउटपुट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अगर जाते हैं तो RTOS ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन डिफाइंड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो कि कांस्टेंट किया गया है उसी पर्टिकुलर टाइम में कभी भी RTOS का आउटपुट निकलेगा. द टाइम कांस्टेंट इज मेन इशू इन द RTOS. मतलब यहाँ पे हमें पैरामीटर्स ऐसे करने पड़ेंगे कि अगर T0 में एक हुआ है तो T1 के बाद अगर वो होना ही चाहिए. आई कैन से इट इज व्हाट सिंक्रोनाइज्ड. यहाँ पे कोई भी ऐसा छोटा सा भी माइक्रोसेकंड का भी डिले पॉसिबल नहीं है. जैसे हमने बोला था कि कल्पना चावला मिसाइल्स में कहीं ना कहीं क्रैश हुआ था, उसमें एक दो तीन सेकंड का कुछ फर्क था, 2-3 सेकंड भी बहुत हो गए. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफाइंड टाइम में ही आउटपुट निकलना चाहिए. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी फास्ट एंड क्विक रिस्पॉन्डेंट सिस्टम. यहाँ पे बहुत ही फास्ट और क्विक रिस्पॉन्डेंस, जैसे आया वैसे उसको परफॉर्म करना है, ज्यादा वेट नहीं करना है. दिस सिस्टम्स आर यूज इन एनवायरमेंट वेयर लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस इन शॉर्ट टाइम. तो बिल्कुल ही छोटे समय में या छोटी ऑन टाइम पे जो भी कुछ एक्शंस परफॉर्म होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, ये इवेंट्स के लिए ये RTOS पर्टिकुलरली यूज हो रहा है. और उसके पॉइंट्स देखते हैं. रियल टाइम प्रोसेसिंग रिक्वायर क्विक ट्रांजेक्शंस. RTOS इज वन टाइप ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे क्विक ट्रांजेक्शन्स होंगे, मतलब बैंकिंग के ट्रांजेक्शन कर रहे, जैसे हमने बटन दबाई है रियल टाइम ट्रांजेक्शन के लिए, विड्रॉल के लिए, डेबिट के लिए, तो कहीं ना कहीं इमीडिएटली जैसे एक्शन होती है तो वैसे ही सारे जगह वो कहीं ना कहीं रिप्लिकेशन होते हैं. और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब बन सकता है, मतलब उसका टाइप है. यहाँ पर जॉब शेड्यूलिंग इज द मेन कंसर्न ऑफ RTOS. इट नीड टू बी मटरलाइज इन अ प्रॉपर सिक्वेंस. ओके, तो यहाँ पर जॉब शेड्यूलिंग मतलब क्या, अगर 10 टास्क हमें करना है और उसमें कोई भी शफलिंग नहीं होना है, मतलब एक के बाद एक, उसके बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये शेड्यूलिंग जो है ये प्रॉपर होनी जरूरी है. यहाँ पे जॉब कंस्टेंट या जॉब शेड्यूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे टाइम कंस्टेंट ऊपर है तो वैसे जॉब शेड्यूलिंग भी बहुत ही मस्त है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एयरप्लेन, उसमें लैंडिंग, एयरप्लेन की लैंडिंग हो गई, टेक ऑफ हो गया, लिफ्ट हो गए, रडार्स हो गए, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गई, एयरलाइन कंट्रोल सिस्टम हो गई, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम हो गई, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गई, वेपन सिस्टम हो गई, रोबोट्स हो गए, एयर ट्रैफिक हो गए, एयरबैग्स इन कार हो गए. जैसे एक्सीडेंट के बारे में, एक्सीडेंट अगर हो गया तो इमीडिएटली रियल टाइम एक्शन होनी चाहिए कि सामने वाले जो है उस फोर्स में अगर हुआ है तो एयरबैग्स ओपन होने चाहिए. अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास जो लॉस है, एंड दैट लॉस इज वेरी ह्यूज. तो अल्टीमेट एम ऑफ दिस RTOS इज व्हाट, अगर एक आधी चीज उस समय पे होती नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो लॉस होने वाला है दैट इज वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर. तो वो कभी रिकवर भी नहीं हो पाएगा. इसीलिए RTOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनी है जिसमें टाइम कंस्टेंट मस्ट है,
और उसके बाद जो उनकी शेड्यूलिंग है वो मस्ट है। मतलब क्या कि जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, तो कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो ये एक्सीडेंट पहले हुई है, इवेंट हुई है, तो उसके बाद इमिजिएटली अगर एयरबैग्स अगर ओपन नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आई होप गाइस इस स्लाइड से आपको दो कीवर्ड्स पता चले होंगे, एक तो टाइम कंस्टेंट और दूसरा है जॉब शेड्यूलिंग। उसके अगर पैरामीटर अगर कंसिडर करना है कि किसी यूजर्स को अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करनी है या यूज करना है तो पैरामीटर क्या क्या कंसिडर करें, तो पैरामीटर में यह है कि रिस्पॉन्सिवनेस उसका फास्ट होना चाहिए, मतलब क्या ऑन टाइम होना चाहिए, तभी जाके हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अवेलेबल ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, उसके बाद प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए सो दैट वो रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है इस आर्टोस का, तो वो भी हमें अलोकेटेड हो, अच्छे से अलोकेटेड, मतलब क्या कि इस प्रोसेस को रिसोर्स उस टाइम पे मिलना ही चाहिए, देर इज नो एनी वेटिंग पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दिस ओपन सोर्स एंड प्रोफेशनल लाइसेंस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर आर्टोस के लिए। उसके बाद क्वालिटी भी मस्ट गुड होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। सेफ्टी सर्टिफिकेट भी कंसिडर करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइसेंसिंग भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना जरूरी है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टोस का वेंडर कौन है, ये सारे पैरामीटर्स हमें कहीं ना कहीं कंसिडर करने चाहिए। सो मोर ओवर वी हैव टू कंसिडर द लॉट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड विद आर्टोस, देन ओनली वी कैन सिलेक्ट द आर्टोस एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अवर रियल टाइम एप्लीकेशंस। और इसके बारे में जानना चाहते हैं आर्टोस के बारे में, उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। आर्टोस के एडवांटेजेस है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइस एंड सिस्टम, जो सिस्टम में लगे हुए जितने सारे रिसोर्सेज है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑल टाइम एंगेज्ड है, ऑल टाइम यूटिलाइज्ड है, ये कहीं ना कहीं आर्टोस का काम है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा डिवाइस अगर हम आइडल रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्योंकि कब जाके किसका काम आएगा ये हम कहीं ना कहीं जान नहीं सकते, तो इसमें हम हर किसी केस में वो अलर्ट होना जरूरी है। तो इसके वजह से फुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, और फुल यूटिलाइजेशन होगा मतलब कोई भी काम जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं विद इन टाइम होने वाला है। सेकंड, टास्क शिफ्टिंग, टाइम असाइन फॉर शिफ्टिंग टास्क इज दिस सिस्टम आर वेरी लेस, मतलब एक बार अगर एक टास्क हो रही है वो इसके मान के चलिए कि कुछ फेल हुआ है या वो एबल नहीं कर रही है, यहाँ पे वो टाइम जो है वेरी क्विक है, मतलब वेरी लेस है, मतलब क्या थोड़े समय में ही वो कहीं ना कहीं टास्क की शिफ्टिंग हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं एरोप्लेन अगर उड़ा हुआ है मान के तो इसका एक आधा इंजन खराब हो गया तो अल्टरनेटिव इंजन वहां पर अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव शिफ्टिंग या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट की जो रियल टाइम एप्लीकेशन चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, उसमें कोई भी डिले ना आए, इमिजिएटली जैसे लगना चाहिए कि वो एक ही सिस्टम कर रही है वहां पर ये काम। उसके बाद तीसरा, फोकस ऑन एप्लीकेशन और प्रायोरिटी, द फोकस ऑन द रनिंग एप्लीकेशन एंड लेस इंपॉर्टेंट टू एप्लीकेशन विच आर इन क्यू, मतलब यहाँ पे कोई बफर क्यू या ऐसा कोई वेटिंग क्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं वहाँ पे, कॉन्सेप्ट इन द सेंस मतलब वहाँ पे उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेंगी, वॉट एवर इज वॉट रनिंग, जो कुछ भी है वो रनिंग में ही है और उसको ही हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा सो दैट उसी टास्क को हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो एट ए टाइम दूसरा काम नहीं करना है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और वो हमारे पास अभी डेडलाइन है। अपार्ट फ्रॉम दिस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एम्बेडेड सिस्टम, मतलब एक छोटे छोटे डिवाइस में, छोटे छोटे फोन्स में या छोटे छोटे चीजों में जो लगी हुई सिस्टम से उसको भी रियल टाइम बोल सकते हैं। सिंस द साइज ऑफ प्रोग्राम इज वेरी स्मॉल, आर्टोस कैन ऑल्सो बी एम्बेडेड सिस्टम लाइक इट्स ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स। ओके, ये उसका एडवांटेजेस है। एरर फ्री भी एडवांटेज, ये आर्टोस होनी चाहिए, दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर एरर फ्री, यहाँ पे कोई भी एरर की जो गुंजाइश नहीं है एरर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते गाइस, एक लिमिटेड टास्क, very few tasks run at the same time and their concentration is very less on few applications to avoid errors, matlab limited task matlab kya ek agar kaam kar rahe hai uski deadline agar hai to dusre kamon ke liye wo kabhi bhi allowed nahi karne wale, to wahi task hamare liye compulsory hai aur wo task hame karna hai to uske hisab se wo ye limitation uska diya gaya hai। costly ye uski job scheduling, time constraint, resource ki capacity, ye sare cheeze bahut hi mehenge mehenge hai to kahin na kahin iska costly ho sakta hai। use heavy system resources, sometimes the system resources are not good and they are expensive as well, ye worst case ke disadvantages hai। uske baad complex algorithm, ye bahut hi important hai, the algorithms are very complex and difficult for the designer to write kyunki yahan par job scheduling is must, job scheduling agar must hai to kahin na kahin hamare paas actions aise honi chahiye jo ki ek ke baad ek honi chahiye, yahan pe algorithms jaise design honge to usme kahin na kahin difficulty ya complexity aa sakti hai, to ye bhi uska disadvantage hai। then device drivers and interrupt signals, it needs a specific device driver and interrupt signal to respond earliest to interrupts, jab kabhi bhi interrupts aayenge to immediately usko action karna hai, matlab wo important agar hai to, agar hard interrupt hai ya priority interrupt hai to, otherwise dusre cheezon ko intervene karna yahan par koi allowed nahi hota hai। okay, ye ho gaya kahin na kahin disadvantage, usme job scheduling is difficult also।
ये कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद हम देखते हैं गाइज इसके टाइप्स क्या क्या है। यहाँ पर आपको और क्लियर हो जाएंगे कि आर्टॉस क्या है। तो आर्टॉस के दो टाइप्स है गाइज, एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इन दोनों में अगर फर्क देखेंगे तो इट प्रोड्यूस एन आउटपुट इन डिफाइनेट टाइम। मतलब क्या कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम है कि उसका जो टाइम कंस्टेंट है वो डिफाइनेट है। मतलब क्या कि वो टाइम को मेंटेन करना ही पड़ेगा, अगर उस टाइम को मेंटेन नहीं करे तो कहीं ना कहीं हमारे पास लॉस ज्यादा हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें इफ द आउटपुट इज नॉट प्रोड्यूस विद इन टाइम इट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ डेटा, ह्यूज लॉस ऑफ डेटा। यहाँ पर अगर जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था तो उस समय पे अगर वो एक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे लॉस बहुत जिंदगी जा सकती है, जान जा सकती है। ओके, इट हैज अ लेस डिले देन द आर्टॉस, सॉफ्ट आर्टॉस। यहाँ पे हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कोई भी डिले नहीं रहेगा, लेस डिले रहेगा रादर देन द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस इट नीड्स एडवांस एल्गोरिदम फॉर जॉब शेड्यूलिंग। यहाँ पर टाइम कंस्टेंट ज्यादा है तो यहाँ पर जॉब शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम ज्यादा प्रॉपरली यूज करना जरूरी है, एडवांस यूज करना जरूरी है। इसके एग्जाम्पल से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे। तो हार्ड टाइम रियल टाइम सिस्टम में जो वन एक आधा टाइप जो आर्टस का है उसमें टाइम कंस्टेंट मस्ट है, जॉब शेड्यूलिंग मस्ट है। अगर यहाँ पे कोई भी डिले नहीं रहेगा, अगर डिले होता है तो लॉस है, तो बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो ये उसके बारे में जानकारी। चलो देखते हैं सेकंड वाला आर्टस, सॉफ्ट आर्टस। इट हैविंग अ लेस टाइम कंस्टेंट एज कम्पेयर टू द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओकेजनली विद सम एक्सेप्टेबली लो प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं कि डिले ही है लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कम हो। उसके बाद इफ आउटपुट इज नॉट प्रोड्यूस विद इन अ टाइम देन लॉस इज कंसिडरेबली लेस देन द हार्ड रियल टाइम सिस्टम, इट हैज अ ग्रेटर डिले देन द हार्ड रियल टाइम सिस्टम। सो मोर ओवर जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में जो कंस्टेंट है वो कंस्टेंट कहीं ना कहीं कम है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कंस्टेंट ज्यादा है, जैसे टाइम का कंस्टेंट हो गया, शेड्यूलिंग का कंस्टेंट हो गया, डिले का कंस्टेंट हो गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कम है बोल सकते हैं कि डिले यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, वहां पर कम। टाइम कंस्टेंट यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, वहां पे कम, बिल्कुल वहां पे अलाउड ही नहीं है, यहाँ पर अलाउ हो सकता है। जैसे टेलीफोन स्विचेस में आगे पीछे अगर डिले हुआ टेलीफोन स्विचेस में तो यहाँ पर कुछ हम एडजस्ट कर पाएंगे या कुछ समझ पाएंगे, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक एक्शन जो हमने की है एक्शन वही कहीं ना कहीं रिसीवर ने भी रिसीव करनी चाहिए, वहां पर वही एक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर अब दो एग्जांपल्स के तो आपको यहाँ पर क्लियर हो सकता है। जैसे मैं जनरली लेक्चर्स में आपको एक जनरल स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान के चलिए कि 2 बजे की हमारी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है यूजर स्टूडेंट्स की, अगर 2 बजे से 2:30 तक अगर वो बंदे का अगर एक अलाउड पीरियड है, टाइम कंस्टेंट है कि 2 से 2:30 तक वो एग्जाम देने को आ सकता है, लेकिन 2 से 2:30 तक वो एग्जाम देने नहीं आया, मान के चलो 2 से 2:31 टाइम पे आया, तो कहीं ना कहीं उसका जो लॉस हुआ है वो आधे घंटे का लॉस हुआ है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। ओके, उस समय में अगर आ गया वो 2 से 2:30 तक अगर आ गया तो उसका लॉस कितना हो गया कि वो 30 मिनट का लॉस हो गया। लेकिन वही स्टूडेंट्स अगर दूसरे दिन या वही दिन दूसरे एग्जाम को या वही एग्जाम को अगर 2:30 के बाद अगर आया तो कोई इन्विजिलेटर उसको कहीं ना कहीं उस हॉल में अलाउड भी नहीं करेगा, तो उसका लॉस जो है वो पूरे 6 सेमेस्टर या 1 साल का भी हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट उसकी एग्जाम है यूनिवर्सिटी की, वो एग्जाम हॉल में जाना चाहिए था 2 बजे वो पहुंचा नहीं, तो अलाउड करने का जो टाइम है वो 2 से 30 तक है, 2 से 30 बजे तक। तो ये 30 मिनट में अगर वो आता है तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको अलाउड किया जाएगा, लेकिन उसका अगर लॉस कितना हो जाएगा उस मिनट का, जितने समय वो डिले हुआ, जितने समय वो ज्यादा समय लिया उसने, उतना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो टाइम एक्सिट करके अगर आया, मतलब क्या 2:30 के बाद अगर आता है, तो कहीं ना कहीं उसको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद ही पेपर देने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो पहले हार्ड रियल टाइम सिस्टम में 30 मिनट में अगर आता है तो उसको अलाउ कर पाएंगे, यहाँ पे सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में वो अलाउ कर पाएंगे, लेकिन हार्ड रियल टाइम सिस्टम में वो कहीं ना कहीं पहले 30 मिनट में आना ही चाहिए, अदरवाइज उसका लॉस जो है बहुत ही है। वैसे एग्जांपल जो दिया 30 मिनट का, 30 सेकंड भी या 30 माइक्रो सेकंड भी यहाँ पे नहीं चलते हैं, लेकिन मैंने समझने के लिए एग्जांपल दिया है कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है जिसमें हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम काम करने का तरीका हो सकता है। तो मोर ओवर वी कैन से रियल टाइम सिस्टम ऐसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए ही बनी है। जैसे पहले स्लाइड में मैंने आपको 10 बार एग्जांपल्स दिए हैं, कार का दिया है, एयरक्राफ्ट का दिया है, लैंडिंग का दिया है, रडार का दिया है, मिसाइल्स का दिया है, सारे जो दिए हैं ये उनके पर्टिकुलर चीजों के लिए ही बनी हुई है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो वो पर्टिकुलरली वही समय पे होने चाहिए जिसका उसका डेडलाइन है। तो टाइम डेडलाइन एंड जॉब शेड्यूलिंग इज मस्ट, एंड देयर आर 2 टाइप्स, हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड में कंस्टेंट मस्ट है, सॉफ्ट में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है, ज्यादा नहीं। सो आई होप गाइस कि ये आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी समझी होगी।
अगर कुछ नहीं समझता है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।